नमस्कार बीच बहस कार्यक्रम में आपका स्वागत है मैं हूं आपके साथ योगेंद्र सिंह देवल बीच बहस कार्यक्रम में हम हर बार आपके साथ कुछ ऐसे मुद्दों पर चर्चा करते हैं जो कि प्रासंगिक तो होते ही हैं साथ ही आप सब लोगों से नजदीकी तौर पर जुड़े भी होते हैं आज की कड़ी में हम आदिवासी समुदाय से संबंधित मुद्दों पर और उनके अधिकारों को लेकर उनकी समस्याओं और किस तरह की चुनौतियों का वो रोजमर्रा की जिंदगी में सामना कर रहे हैं उनको लेकर चर्चा करेंगे भारत सरकार द्वारा और राज्य सरकारों द्वारा भी आदिवासी समुदाय के अधिकारों को और बढ़ाने के लिए अनेक प्रयास किए जा रहे हैं अनेक कार्यक्रम चलाए जा रहे हैं उन सब मुद्दों पर चर्चा करने के लिए स्टूडियो में हमारे साथ मौजूद हैं पंकज राज जी पंकज जी स्टूडियो में आपका बहुत बहुत स्वागत है चर्चा को आगे बढ़ाने से पहले मैं हमारे दर्शकों को बताना चाहूँगा कि पंकज जी सामाजिक कार्यकर्ता हैं और आदिवासी अधिकारों को लेकर बहुत लंबे समय से नज़दीकी तौर पर जुड़े हुए हैं आइए चर्चा को आगे बढ़ाते हैं पंकज जी आपसे पहला सवाल यही बनता है कि आदिवासी दिवस के बहाने हम किसी न किसी तरह से आदिवासी समुदाय को लेकर चर्चा करते रहते हैं उनके अधिकारों के बारे में बात करते ले रहते हैं लेकिन अगर वास्तविक तौर पर देखा जाए तो जो हम लोग हैं वो आदिवासी समुदाय से किस तरह से कनेक्टेड हैं उनके अधिकारों के बारे में कितनी कुछ जानकारी रखते हैं सबसे पहले तो आप सभी लोगों को विश्व आदिवासी दिवस की शुभकामनाएं देना चाहूँगा उन्नीस में संयुक्त राष्ट्र संघ के द्वारा एक प्रस्ताव पारित करके अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर ये विश्व आदिवासी दिवस मनाना प्रारंभ हुआ था और एक अच्छी बात यह है कि भारत में आदिवासी समुदाय भी और आदिवासी समुदाय के अलावा भी सब लोग विश्व आदिवासी दिवस को बहुत ही धूमधाम से उत्साह के साथ जोश के साथ मनाते हैं तो ये मैं समझता हूँ कि यहाँ हिंद, हिंदुस्तान के जो भारत के जो आदिवासी हैं उनकी एक जो आ, उल्लास भरी जिंदगी है उसका एक प्रतिफल ही है कि हम लोग इसको विश्व आदिवासी देश को इतने धूमधाम से मनाते हैं आदिवासी जो शब्द है इसको लेके कई बार हमारी एक भ्रांतियाँ सी रहती है आ, लोग बाग इस नाम के साथ ही के अलग अलग तरह के परसेप्शन्स बनाते हैं जी बहुत सीधी सी बात है आदिकाल से जो यहाँ वास कर रहे हैं वो आदिवासी हैं और इनको एक विशेष दर्जा इसलिए प्राप्त है क्योंकि इनमें कुछ एक विभिन्न तरह की क्वालिटीज़ वगैरह इनके अंदर थी इनके रीति रिवाज थोड़े से अलग हुआ करते थे इनकी परंपरा, इनकी संस्कृति थोड़ी से अलग हुआ करती थी और इसीलिए भारत जब आज़ाद हुआ और जब संविधान का निर्माण हुआ तो इनको एक विशेष दर्जा दिया गया आज भी अगर आप देखेंगे तो आदिवासी समुदाय आम समुदाय में आसानी से घुलता मिलता नहीं है वो थोड़ा सा आइसोलेट रहना चाहता है कारण क्या है कि हजारों साल तक ये वनों में रहे और आज़ादी के बाद में जब आरक्षण की एक व्यवस्था हुई तो उसके बाद इनको थोड़े अवसर मिलने लगे तो ये धीरे धीरे शहरों की तरफ भी आए आज बहुत एक कह सकते हैं कि हम हम मूल धारा में आदिवासी समुदाय आ चुका है और अगले और कुछ सालों तक प्रयास रहेगा तो आदिवासी समुदाय मेरे समझता हूँ पूरी तरह से मूल धारा में होगा परंतु इनका शर्मिलापन एकांकीपन ये आज भी उनके डीएनए में जीन्स में है जी तो इसीलिए ये आज भी वनों में रहना पसंद करते हैं और वनों में रहना पसंद करते हैं तो एक सबसे बड़ी बात ये है कि ये पर्यावरण के बड़े संरक्षक होते हैं जी आप देखेंगे आदिवासी जहाँ बाहुल्य है वहाँ जंगल आज भी बहुत मजबूती के साथ विद्यमान है और जब जब जंगलों को काटने या नष्ट करने की बात आती है या कम करने की बात आती है तो आदिवासी समुदाय उसका पुरजोर विरोध भी करता है मजबूती के साथ खड़े क्योंकि वो पर्यावरण और प्रकृति प्रेमी है इसके लिए आदिवासी उन जंगलों का एक तरह से संरक्षक है जी और साथ में देखा जाए तो न केवल जंगलों का संरक्षक है वो अपनी परंपराओं के भी संरक्षक है मैं आपको एक चीज़ बताऊं एक छोटा सा उदाहरण बताऊंगा कि जब हमारे दक्षिण भारत में सुनामी आई थी जी तो अंदमान निकोबार के अंदर जो आदिवासी रहते हैं वो पूरी तरह से सुनामी के अंदर लपेटे में आए थे उस प्रभावित क्षेत्र के अंदर थे परंतु उनके अंदर कैजुअलिटी बहुत कम हुई कहीं ना कहीं ऐसा माना जाता है कि इन आदिवासियों के पास में ऐसा अपना एक परंपरागत रूप से तकनीक रही होगी जिससे उनको पूर्वानुमान था कि भाई सुनामी आ सकती है जी. तो ऐसा इनकी अपनी एक एक अलग ही तरह की संस्कृति रीति रिवाज परम्परा चलती है जिसके कारण से इनकी एक अलग पहचान बनी हुई है और अच्छी बात यह है कि भारत सरकार इनका संरक्षण करती है भारत सरकार इनको इनकी परंपरा और रीति रिवाज को प्रश्रय देती है जिसके कारण से आज आ, आगे बढ़ भी रहे हैं जी जी पंकज जी भारत में जनजाति समुदाय को लेकर राजनीतिक रस्साखस्सी बहुत होती है लेकिन मोदी सरकार ने जनजाति समूह के गौरव को बढ़ाते हुए आज़ादी के पचहत्तर साल पूरे होने के जश्न के हिस्से के रूप में बहादुर आदिवासी स्वतंत्रता सेनानियों को सम्मानित करने हेतु पंद्रह नवंबर को जनजाति गौरव दिवस के रूप में मनाने की मंजूरी दी है इस फैसले से आप किस नज़रिए से देखते हैं देखिए क्या होता है कि आ, हमारे हिंदुस्तान अलग अलग जाति धर्म संप्रदाय समाजों में बटा हुआ है और हर समाज ये चाहता है कि भाई हमारा जो गौरवपूर्ण जो इतिहास रहा है या हमारे जो गौरव पैदा करने वाले महापुरुष रहे हैं उनको कहीं ना कहीं सम्मान मिलना चाहिए बिरसा मुंडा एक ऐसे महापुरुष थे जिन्होंने अपनी कम उम्र के अंदर ही अंग्रेजों से लोहा लिया और अंग्रेजों से न केवल लोहा लिया उस आदिवासी समुदाय जहाँ शिक्षा नाम की कोई चीज़ नहीं होती थी उनको अंग्रेजों के खिलाफ कड़ा किया तो बिरसा मुंडा को हमारा अगर झारखंड बंगाल उड़ीसा उस साइड में देखा जाए तो भगवान के रूप में पूजा जाता है भगवान बिरसा मुंडा ही बोला जाता है तो भगवान बिरसा मुंडा की जयंती को आज़ादी गौरव दिवस ऐसा घोषित करके मैं समझता हूँ वास्ते में मोदी सरकार ने पूरे देश के जो साढ़े आठ परसेंट एट पॉइंट सिक्स परसेंट आदिवासी हैं उनका गौरव बढ़ाने का काम किया उनका सम्मान देने का काम किया है और मैं ये वास्तव में बहुत बड़ी उपलब्धि थी जैसे जब, जब इसकी घोषणा हुई थी और उसके बाद में जब पहली बार विश्व क्या आदिवासी गौरव दिवस मनाया गया था तो जो देश भर के आदिवासियों में जो उत्साह था वो वास्तव में चरम पे था जी पंकज जी अगर आदिवासी समुदाय की बात करें तो आदिवासी समुदाय में जहाँ उनका जो रोजगार के लिए जो ज़्यादातर उनकी निर्भरता जो रहती है वो जंगल पे ही रहती है वनोत्पाद की बात करें तो उन पे रहती है तो सरकार क्या इस दिशा में प्रयास कर रही है कि उनकी शिक्षा के स्तर को मजबूत किया जाए ताकि वो सरकारी जो सेवा हैं सरकारी नौकरियों में भी अपना जो दखल है अपनी हिस्सेदारी है वो ला सकें देखिए किसी भी समुदाय के तरक्की विकास के लिए सबसे पहली जो आवश्यकता है वो शिक्षा है जी और मुझे इस बात की बड़ी खुशी होती है कि जब उन्नीस सौ आज़ादी के बाद में जब हमारा संविधान बना तो संविधान में आर्टिकल पंद्रह और सोलह के तहत कुछ विशेष प्रावधान दिए गए उन प्रावधानों के कारण से शिक्षा धीरे धीरे आने शुरू हुई जी आज अगर देखा जाए तो संविधान लागू होने के बाद में लगभग तीसरी पीढ़ी है जैसे मैं अपने आप को कहूँ या मेरे समकक्ष जो उम्र के लोग हैं वो तीसरी पीढ़ी के हैं और तीसरी पीढ़ी के कारण से इस दौरान हमारी एक अच्छी शिक्षा आई है तो शिक्षा आने से न केवल हम लोग सरकारी नौकरियों में आगे बढ़े हैं पर साथ में शिक्षा के साथ ज्ञान भी मिलता है ज्ञान के कारण से अब धीरे धीरे आदिवासी समुदाय व्यापा, व्यापार व्यवसाय भी करने लगा है और अपने परंपरागत कामों के साथ साथ वो अपने इन अधिकारों के आगे बढ़ने लगा है परंतु आज भी मूल रूप से जो इनका जंगल का प्रति प्रेम है प्रकृति के प्रति प्रेम है वो उसी प्रकार से विद्यमान है और इसी कारण से आज जंगलों के रक्षक के रूप में आदिवासी जाने जाते हैं अगर हम बात करें आदिवासी बाहुल्य राज्यों की जी तो हमारे नॉर्थ ईस्ट में आदिवासी काफ़ी हैं झारखंड उड़ीसा में हमारे आदिवासी काफ़ी हैं मध्य प्रदेश राजस्थान में आदिवासियों की संख्या बहुत अच्छी है तो अगर इस पूरे क्षेत्र में देखें तो आपको लगेगा कि वास्तव में आदिवासियों के कारण आ, बहुत जंगलों का संरक्षण हुआ हुआ है पर साथ में देवल साहब मैं आपको एक चीज़ और बताना चाहूँगा आदिवासी समुदाय एक ऐसा समुदाय है जो अभी जो शिक्षा के कारण से कुछ विसंगतियाँ आई है उनसे भी वो कहीं ना कहीं बच के रहा है आप ये देखिए अगर हम आदिवासी समुदाय और आदिवासी समुदाय के अलग बाकी लोगों की बात करते हैं शिक्षित समाज या एलिट क्लास जिनको हम कहते हैं उनमें लैंगिक समानता अगर देखेंगे जी तो कंपेरेटिव आदिवासियों के मुकाबले औरों के में असमानता मिलेगी पर आदिवासी जगह के अंदर लैंगिक समानता बहुत अच्छी मिलेगी और अगर हम राजस्थान के परिप्रेक्ष्य में देखें तो बांसवाड़ा डूंगरपुर जो आदिवासी बाहुल्य जगह है वहाँ एक हज़ार पुरुषों के प्रति हैं वो एक हज़ार से भी अधिक है एक हज़ार छियालीस है बांसवाड़ा में डूंगरपुर के अंदर तो एक हज़ार बावन है तो ये आदिवासी समुदाय ने कहीं ना कहीं एक अपना अपना ही प्रति अपने समुदाय के प्रति समाज के प्रति कमिटमेंट शो किया कि हम शिक्षा के कारण से जो दुष्व कमियाँ आती है वो उनके ऊपर प्रभाव नहीं डाल सकी जी पंकज जी जैसा आप कि आपने बताया कि आदिवासी समुदाय है वो पर्यावरण के प्रति ज़्यादा जागरूक रहता है जैसा आपने अभी बताया कि लैंगिक समानता का एक जो मुद्दा आपने उठाया तो क्या आपको लगता है कि आदिवासी जो समुदाय है उसमें मातृ सत्तात्मक जो धारा है उसकी तरफ जो उनका झुकाव रहता है उसकी वजह से ये जो पर्यावरण के प्रति और लैंगिक समानता की बात करते हैं तो इस तरह के जो सॉफ्ट साइड में उनका जो झुकाव है वो इस वजह से होता है नहीं निश्चित रूप से देखिए मैंने अभी अपने पुराने वक्त में कहा कि हम जहाँ आदिवासी समुदाय प्रकृति पूजक होता है पर प्रकृति पूजक के साथ में आप एक चीज़ और देखेंगे कि वो आ, सभी आदिवासी समाज कहीं ना कहीं अपनी देवियों की पूजा करता है अपनी कुल देवी की पूजा करता है तो हम इसी से अंदाजा लगा सकते हैं कि मात्र सत्तात्मक आदिवासी समुदाय होता है आ, बहुत कम क्षेत्र में आपको ऐसा मिलेगा कि कुल देवता हैं ज़्यादातर आदिवासी कुलदेवियों की पूजा करते हैं हालांकि ये बात ठीक है कि चूँकि संपूर्ण आदिवासी समुदाय हिंदू है हिंदू विचारधारा का है हिंदुस्तान में रहता है तो भगवान श्री राम को भी वो बहुत पूजता है शिव जी को भी पूजा करता है तो गणेश जी की पूजा करता है परंतु आदिवासी समुदाय के अपने सबके कुलदेवियाँ होती हैं और वो कुलदेवियों की पूजा करता है यही सबसे बड़ा कारण है कि हमारे आदिवासी समुदाय के अंदर महिलाओं के प्रति किसी प्रकार का कोई आ, आ, कोई भेदभाव नहीं होता और एक समानता की जगह हम लोग उनको प्राथमिकता पे देखते हैं जी पंकज जी जैसा कि आपने बताया कि आदिवासी जो समुदाय की बात करें मोटे तौर पर देखा जाए तो राजस्थान में मध्य प्रदेश में झारखंड छत्तीसगढ़ नॉर्थ ईस्ट की बात करें और अंडमान निकोबार की बात करें लेकिन इससे अगर ऊपर उठ के वैश्विक स्तर पर देखा जाए तो पूरे विश्व में जगह जगह पे आदिवासी जो हैं वो फैले हुए हैं लेकिन अगर इनकी समस्याएं की अगर हम चर्चा करते हैं तो आपको क्या लगता है कि कौन सी ऐसी समस्याएं हैं कौन सी ऐसी चुनौतियां हैं जो पूरे विश्व में जो आदिवासी समुदाय है वो आ, मोटे तौर पर ये समस्याएं हैं जिनका वो सामना कर रहा है देखिए ऐसा कोई समस्या वाली बात नहीं है परंतु तो एक चीज़ तो विशेषकर हमको ये ध्यान रखनी चाहिए कि आदिवासी वर्ग भी वैसा ही है जैसा और दूसरे वर्ग है जी तो उनकी जो एक अलग आइडेंटिफिकेशन है एक अलग रीति रिवाज है एक अलग संस्कृति है ये उसी में जीना चाहते हैं इसलिए मैं समझता हूँ कि सबसे पहले तो आ, सरकारों को भी अगर हम हमारे यहाँ की बात करें या विदेशों की बात करें तो आदिवासियों को अपनी रीति रिवाज अपनी परंपरा अपनी संस्कृति में जीने का संपूर्ण अधिकार होना चाहिए दूसरी बात यह है कि सर्वाइव करने के लिए रोज़गार सबसे बड़ी चीज़ होती है तो सभी देशों को सभी राज्यों को इन आदिवासियों के रोज़गार की बराबर चिंता करनी चाहिए जिससे इनका जीवन यापन ठीक प्रकार से चल सके हाँ कई जगह कुछ जो बाधाएं आती है जैसे हमारे हिंदुस्तान के अंदर भारत के अंदर एक वन संरक्षण अधिनियम बनाया हुआ है कुछ राज्यों ने उसको अभी तक लागू नहीं किया और लागू नहीं करने से उ, उनको जो रोज़गार पैदा होने के जो रास्ते होते हैं वो अवरुद्ध हो रहे हैं तो ऐसे मुझे लगता है कि सभी राज्य सरकार को इस बारे में चिंता करनी चाहिए कि जो केंद्र के द्वारा बनाया हुआ वन संरक्षण अधिनियम है उसको ठीक प्रकार से लागू करें और इसकी मॉनिटरिंग भी ठीक से हो कि भाई हमारे यहाँ नीचे तक उसकी सुविधा मिल रही है कि नहीं मिल रही है। जी जी, जी, जी पंकज जी भारत के कई राज्यों खासकर राजस्थान में जनजाति समुदाय में डीलिस्टिंग एक बड़ा मुद्दा बन बना हुआ है समुदाय की मांग है कि समुदाय के जो लोग अपने धर्म को छोड़कर दूसरे धर्म में कन्वर्ट हो गए हैं वे उनके आरक्षण के अधिकार का हनन कर रहे हैं आपकी क्या राय है इस बारे में देखिए ये अभी इनिशियल स्तर पर ये विषय चला है जी। आ, और मैं समझता हूँ कि इस पर बड़ा गहरा मंथन होना चाहिए आ, इसको थोड़ा सा हम इस तरीके भी सोच सकते हैं कि जब हमारे आजाद भारत में संविधान सभा बनी थी संविधान सभा के अंदर जब इनका इस बात पे डिस्कशन हुआ था तो हमारा जो अनुसूचित जाति वर्ग है जिसको एस का हम लोग बोलते हैं तो एस को आरक्षण इसलिए दिया गया उनको छुआछूत था उनके अंदर और छुआछूत उस वक्त केवल हिंदू समाज में था अगर आप बात करें मुसलमान में या ईसाई में तो उसमें छुआछूत नहीं होता था तो केवल हिंदू जो दलित हैं उनको आरक्षण की व्यवस्था दी गई ऐसे ही जनजातीय वर्ग जनजातीय वर्ग भी जो हिंदुस्तान की भूमि पर रहता था जो हिंदू समाज का ही हिस्सा था तो उनको आरक्षण की व्यवस्था दी गई कालांतर के अंदर हुआ क्या है कि कुछ है, दूसरे धर्मों के लोग जो धर्म प्रचार प्रसार वाले लोग होते हैं उन्होंने अपने धर्म प्रचार प्रसार के लिए जो हिंदू समाज में सबसे ज़्यादा सॉफ्ट टारगेट जो था वो यही दलित वर्ग और जनजाति वर्ग हुआ करता था इनको सॉफ्ट टारगेट को क, कन्वर्जन के लिए इन्होंने उपयुक्त पाया और धीरे धीरे इनका कन्वर्जन शुरू किया तो इसके जैसे बहुत सामान्य सी बात है कि भाई आपका जो दलित का जो छुआछूत का जो आपका है वो केवल हिंदू समाज में है जब आपने अपने आप को ईसाई या मुसलमान बना लिया तो इसका मतलब आपके साथ छुआछूत नहीं रही तो ऐसे में डीलिस्टिंग होनी चाहिए ये एक चर्चा व्यापक स्तर पे चल रही है और मैं समझता हूँ कि इसके बारे में आने वाले समय के अंदर न केवल संसद विधानसभा में इसमें अच्छी बहस के कोई ठीक से निष्कर्ष निकलेगा और जनता को इसका कोई ना कोई नया प्रारूप नजर आएगा जी पंकज जी केंद्र सरकार जो है वो ट्राईफेड के माध्यम से लगातार जनजाति समूह के उत्पादों को प्रोत्साहन दे रही है इससे जनजाति समूहों के उत्पादों का प्रमोशन तो हो ही रहा है और साथ ही जनजाति समूह की महिलाओं को सशक्त भी किया जा रहा है सरकार के प्रयासों को आ, आप किस नज़र से देखते हैं देखिए इसमें कोई दो राय नहीं कि अगर हम सरकार के प्रयासों की बात करें वर्तमान में तो सरकार ने जनजाति वर्ग के लिए वास्तव में बहुत धरातल पर काम करना शुरू किया है मैं आपको याद दिलाऊँगा जनजातीय वर्ग के क्षेत्र में शिक्षा का ठीक से काम हो इसके लिए एक्लेवे मॉडल स्कूल हुआ करती है जी आज से अगर हम 10 साल पहले की बात करें तो पूरे देश के अंदर शायद 20 या 22 एक्लेवे मॉडल स्कूल हुआ करती थी और आज लगभग साढ़े चार से ज़्यादा तो चालू हो चुकी और लग टोटल सात के आसपास एक्लेवे विद्यालय बन रहे हैं एक्लेवे विद्यालय अपने आप में एक बहुत अनूठी योजना है जहाँ जनजातीय वर्ग की संख्या अच्छी होती है वहाँ रेजिडेंशियल स्कूल खोली जाती है जहाँ हॉस्टल की फैसिलिटी भी होती है और वो हॉस्टल और स्कूल शिक्षा की जो व्यवस्था है वो मैं ये समझता हूँ कि बहुत अच्छे स्तर की होती है तो आज लगभग अगर एक साल के अंदर साढ़े सात सौ इक्लेवे मॉडल स्कूल जब अस्तित्व में आ जाएंगे तो शिक्षा जैसा कि मैंने पहले भी कहा कि तरक्की का सबसे राह जो खुलती है वो शिक्षा से ही खुलती है तो आदिवासी समुदाय में शिक्षा बहुत अच्छी होने लगेगी और शिक्षा के बाद अगर कोई विषय आता है तो वो रोजगार का आता है जी तो जो आदिवासी बाहुल्य जो क्षेत्र है वहाँ आज भी आदिवासी समुदाय के जो लोग हैं वो अपने परम्परागत रोजगार करते हैं जैसे बहुत सुंदर सुंदर छोटी छोटी टोकरियाँ बनाई एक कपड़े जो हथकरदे होते हैं ये अपने हथकरदों के माध्यम से वो कपड़े बनाने का काम भी बुनने का काम भी करते हैं तो आदिवासी समाज समुदाय में चूंकि शिक्षा कंपेरेटिव कम है वो उस अपने प्रोडक्ट को बेचेंगे का इसके लिए जो ट्राइफेड जो संस्था है और उसने पिछले तीन चार साल के अंदर पाँच साल के अंदर जो काम किया है वो वास्तव में अभूतपूर्व है कि ट्राईफेड के माध्यम से आज आदिवासियों के जो प्रोडक्ट हैं बहुत अच्छे स्तर पर बिकने लगे हैं अगर आप आ, कहीं राजस्थान की बात करें या कहीं भी दिल्ली की बात करें जी। सभी एयरपोर्ट्स के ट्राइफेड के जो उत्पाद हैं वो आजकल खूब जाने लगे हाँ और लोग बाग ब्रांड के नाम से ट्राइफेड के नाम से खरीदने लगेंगे यहाँ ट्राईफेड का उत्पाद है क्योंकि उसको न केवल उसमें एक नयापन नज़र आता है गुणवत्ता भी नज़र आती है तो ये मैं समझता हूँ शिक्षा और रोज़गार दोनों के मामले में सरकार ने बहुत अच्छे काम किया आदिवासियों के लिए जी पंकज जी देश की जो राष्ट्रपति श्रीमती द्रौपदी मुर्मू जी हैं वो भी एक जनजाति समुदाय से हैं जनजाति समुदाय के एक महिला का राष्ट्रपति होना देश के जनजातीय समुदाय के लिए आ, कितना महत्वपूर्ण मानते हैं आप देखिए मैं उस दिन यहाँ मौजूद था जयपुर के जयपुर में एक जो कार्यक्रम हुआ था हमारे महामहिम राष्ट्रपति जी राष्ट्रपति बनने से पहले जब जयपुर आई थी एयरपोर्ट से लेके जेलन मार्ग तक जो हुजूम था आदिवासी समुदाय का ऐसे हजारों लाखों की संख्या में लोग आए और वो अपने आदिवासी वाद्य यंत्रों के साथ में आए परंपरागत कपड़ों के अंदर आए और जिस प्रकार से उनमें उत्साह था मैं समझता हूँ कि आदिवासी समुदाय के अंदर इससे ज़्यादा मैंने जोश उत्साह मैंने अपने जीवन में कभी नहीं देखा जब उनको लगा कि भाई हमारे बीच में से एक महिला जो बिल्कुल सामान्य परिवार से थी जिसका अगर जीवन यापन और जीवन स्तर कहें तो बहुत एक सामान्य से था वो जब राष्ट्रपति जैसे जो देश का सर्वोच्च पद है उस पर पहुँची तो वास्तव में एक बहुत अभूतपूर्व जोश और उत्साह उन लोगों के बीच में था और ये पूरे देश के आदिवासियों के लिए नहीं मैं ये समझता हूँ पूरे देश के 140 करोड़ लोगों के लिए गौरव की क्षण है कि जिस उद्देश्य के कारण से बाबा साहब अम्बेडकर ने संविधान के अंदर ये व्यवस्था रखी थी आदिवासियों को दलितों को आगे बढ़ाने की आज राष्ट्रपति जैसे पद पे अगर आदिवासी महिला पहुंचती है तो मेरे को लगता है कहीं ना कहीं वो संविधान का उद्देश्य पूर्ण हो रहा है धीरे धीरे जी पंकज जी आप स्वयं एक सामाजिक कार्यकर्ता हैं और साथ ही आप आदिवासी समुदाय के अधिकारों से एक लंबे समय से जुड़े भी रहे हैं तो आदिवासी समुदाय के जो युवा हैं यूथ हैं उनको मोटिवेट करने के लिए किस तरह के प्रयास ना कि एक आपके स्तर पे एक संस्था के स्तर पे बल्कि एक समाज के स्तर पे किए जाने की आवश्यकता है ताकि वो जो लोग हैं वो भी समाज की मुख्य धारा से जुड़ सकें देखिए दो तीन विषय हैं इस बारे में मैं कहना चाहूँगा जी एक तो सबसे बड़ी बात तो यह है कि आदिवासी और आदिवासीियत जो है हमारी रीति रिवाज परम्परा संस्कृति इसको सहेजना बहुत आवश्यक है कहीं ऐसा ना हो कि ये जो मॉडर्नाइजेशन है इसके अंदर ये सब दब जाए ये उसके साथ बह जाए क्योंकि अगर हम आज बात करें ऑस्ट्रेलिया जो कभी पूरा देश और आदिवासी हुआ करता था या अमेरिका जिसका बहुत बड़ा भाग एक आदिवासी हुआ करता था आज वो जो इस मॉडर्नाइजेशन के चक्कर में वहाँ सब कुछ बिखर गया आज वहाँ अगर आग उनकी कोई रीति रिवाज परम्परा की बात करें तो कहीं जिंदा नहीं बची एक तो वो ना हो इसके लिए मैं आज के युवाओं के लिए और युवा न केवल आदिवासियों से युवाओं से बल्कि उनके अलावा भी सबसे ये आपके माध्यम से कहना चाहूँगा कि आदिवासी परंपरा संस्कृति जिंदा रहे इसके लिए सहेजने के लिए वो निरंतर कार्य करते रहें दूसरी बात हम तरक्की की राह जो है वो शिक्षा के माध्यम से होती है तो अभी भी आदिवासियों के अंदर जो शिक्षा है कंपेरेटिव कम है शिक्षा के लिए वो लोग पूरे प्रयास करें और शिक्षा के माध्यम से अपने आप को मुख्य धारा से जोड़े रखें और एक व्यसनों से दूर रहें ये एक सबसे बड़ी बात है किसी भी प्रकार के दुर्गुण अवगुण से वो एक बच के रहें ये मुझे लगता है आज के युवाओं के लिए सबसे आवश्यक चीज़ है जी पंकज जी जैसा कि आपने बताया कि आदिवासी समुदाय है वो ज़्यादातर जो लोग हैं वो घने जंगलों में रहते हैं वनोत्पाद पे ही निर्भर रहते हैं तो क्या सरकार को उस क्षेत्र में टूरिज़्म को इस तरह से डेवलप किया जाना चाहिए कि उन लोगों को रोज़गार भी मिल सके और साथ ही जो हमारा टूरिज़्म सेक्टर है उसका भी विकास हो सके निश्चित रूप से टूरिज्म पर्यटन जो है ये बहुत अच्छा क्षेत्र है और इसके इससे संपन्नता आती है दोनों ही बातें हैं सरकार को इस बारे में प्रयास करने चाहिए निश्चित रूप से करने चाहिए इससे सरकार की आमदनी तो बढ़ेगी साथ में जिस क्षेत्र में पर्यटन बढ़ेगा वहाँ के लो, लोकल लोगों की भी आमदनी बढ़ती है परंतु फिर मैं एक छोटे से उदाहरण के साथ में इस बात को बताना चाहूँगा अंडमान निकोबार में एक सैनिटल करके आदिवासी समुदाय है जी वो अभी एक द्वीप पे ही है और उनकी संख्या अब शायद मेरे ख्याल से कोई साढ़े तीन सौ के आसपास ही बची है उस सैनिटल जो द्वीप जिस द्वीप पे है उस पर पूरी तरह से जाना प्रतिबंधित कर रखा है जी तो हमको ये भी ध्यान रखना पड़ेगा कि आदिवासी समुदाय का जो शर्मिलापन एकांकीपन है उसको भी हम ध्यान रखना पड़ेगा क्योंकि पर्यटन के कारण से ऐसा नहीं हो कि वो आदिवासी तो उनके बीच में खत्म हो जाए इसका भी विशेष ध्यान रखना चाहिए बाकी तो अगर किसी तरह के सरकार की इस प्रकार की योजनाएँ आती है तो उससे तो उस समुदाय का भी विकास होगा ही होगा निश्चित रूप से आर्थिक डेवलपमेंट तो उनका भी होगा जी पंकज जी अक्सर देखा जाता है कि बहुत सारे राजनीतिक जो व्यक्ति हैं उनकी वजह से जनजाति जो समुदाय है उनमें उन समूहों में विघटन डालने के प्रयास किए जाते रहते हैं तो राजनीतिक व्यक्तियों से इस तरह के जो घटनाएं हैं उनसे बचाव के लिए जनजाति समूह को किस तरह के प्रयास करने चाहिए सरकार को किस तरह के प्रयास करने चाहिए नहीं देवल साहब आपने वास्तव में बहुत अच्छी बात उठाई क्योंकि ये राजस्थान के परिप्रेक्ष्य में भी आप लोगों ने हमने सबने अभी दो तीन साल पहले देखा था कि यहाँ कुछ एजेंडे के तहत कुछ राजनीतिज्ञों ने एक माहौल बनाया कि भाई आदिवासी हिंदू नहीं है और इस माहौल इस बात के लेके उन्होंने कहीं ना कहीं आदिवासी समाज में विघटन करने की कोशिश की और केवल इसलिए की के कि भाई हमारा वोट बैंक मजबूत हो और विघटित लोग हमारे साथ में हों तो ये वास्तव में ठीक बात है हालांकि इस चीज़ को ज़्यादा आगे चला नहीं पाए थे वो लोग के परंतु आदिवासी समुदाय खुद को इस बारे में ध्यान रखना पड़ेगा कि हम लोग ऐसे बहकावे में नहीं आए और किसी भी तरह से जो पॉलिटिशियन अपने गंदी राजनीति करते हैं उसे जितना बचेंगे उतना ही आदिवासी तो जिंदा रहेगी मैं ऐसा समझता हूँ जी पंकज जी जैसा कि आपने बताया कि आदिवासी समुदाय में जो महिलाएँ हैं आ, उनका जो स्तर है वो मतलब उनकी जो स्थिति है वो ज़्यादा अच्छी रहती है लेकिन आ, क्या ऐसे प्रयास करने चाहिए कि महिलाओं को जो है वो आर्थिक रूप से मजबूती मिल सके देखिए अभी जैसे हमारी जो बात चली थी ट्राइफेड की बात चली थी या अभी मोदी सरकार के जो पिछले नौ साल में जो उज्ज्वला योजना जैसी आई है जिसमें ज़्यादातर महिला प्रधान को ही लाभ मिला है अगर हम देखें उज्ज्वला हो या जनधन खाते हो ये सब महिला प्रधान महिलाओं के नाम से खुले और जिसके कारण से महिलाओं की तरक्की की राहें खुली है तो उसी में आदिवासी समुदाय का भी विकास मैं समझता हूँ महिला का हुआ है परंतु जो आम समाज में महिलाओं के प्रति एक थोड़ा सा भाव होता है संकीर्ण सोच होती है वो आदिवासी समुदाय में मेरे का कभी हजारों साल से रही नहीं तो इसलिए महिलाओं का किसी तरह के कोई दमन होता हो या कोई महिलाओं के, के साथ कोई कैसे तरह दुराभाव होता है वो आदिवासी समुदाय में तुलनात्मक रूप से कम मिलता है तो इसलिए ये बात ठीक है कि महिलाओं की तरक्की के लिए हमको प्रयास करते रहने चाहिए वो आदिवासियों के लिए भी लागू होती है परंतु आदिवासी समुदाय में ये समस्या कंपेरेटिव कम है जी पंकज जी आप हमारे स्टूडियो में आए और हमारे दर्शकों के साथ आपने विश्व आदिवासी दिवस को लेकर आदिवासी समुदाय की समस्याओं को लेकर उनके अधिकारों को लेकर जो गहन चर्चा की उसके लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया